नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट्स 360 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। और हम में से कई लोगों को पता है व्हाट्सएप के प्राइमरी सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में और एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। अब हाल ही में मेटा ने अनाउंस करा है कि वो जल्द ही और सिक्योरिटी फीचर्स को अनाउंस करेंगे ताकि आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो सेफ रहे। ये है अकाउंट प्रोटेक्ट, डिवाइस वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कोड्स। आइए जरा इनको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो भाई अकाउंट प्रोटेक्ट क्या है? जब एक यूजर को अपने अकाउंट को मूव करना होता है एक नए फोन में, व्हाट्सएप उनसे कंफर्मेशन पूछेगा पुराने फोन पर, जिससे कि एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की आ जाएगी। ये यूजर को अलर्ट कर देगा उस केस में जब कोई और अनऑथराइज ट्रांसफर कर रहा हो उनके अकाउंट का दूसरे फोन पर, ताकि वो उनके मैसेजेस को पढ़ सके। अगला है डिवाइस वेरिफिकेशन। ये जो फीचर है ये आपके अकाउंट को सेफगार्ड करेगा मालवेयर से, जो कि आपके फोन का प्रयोग करे स्पैम या फिर अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के मैसेज भेजने के लिए। यूजर को यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना, एडिशनल बैकग्राउंड चेक्स हैं जो व्हाट्सएप करता रहेगा ताकि आपके अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर सके और उसको सेफ रख सके। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कोड्स। इस फीचर के साथ यूजर जो है वो वेरीफाई कर पाएगा कि चैट कन्वर्सेशन जो हो रही है वो सिक्योर है कि नहीं, सिर्फ टैप करके इंक्रिप्शन आइकन पे कॉन्टैक्ट के इन्फॉर्मेशन पेज पर, और अभी प्रोसेस जो है QR कोड स्कैन करने का उससे तो बेहतर ही है ये। व्हाट्सएप के कथन अनुसार ये जो फीचर्स हैं सारे यूजर्स को उपलब्ध हो जाएंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो भाई आप हमको बताइए कि WhatsApp की जो आने वाले नए सिक्योरिटी फीचर्स हैं आपको कैसे लगे? क्या आप पर्सनली WhatsApp यूज करते हैं या कोई और ऐप यूज करते हैं जैसे टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह? मुझे जरूर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में नीचे। और मैं जल्दी आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।